राशिद ने फोन काट दिया और अब फोन ही नहीं उठा रहे। क्या कर रहे हैं ये दोनों मेरे साथ? भूख लग रही है यार। अभी तो ठूस के बैठा है। अच्छा ना, साहब आप कैसी तबीयत है आपकी? क्यों, मुझे क्या हुआ? वो सर दर्द था ना आपको? हाँ, चाय बना के दी थी मैंने। हाँ, वो था सर में दर्द, लेकिन चाय बड़ी अच्छी थी, उससे तो बिल्कुल सर दर्द ठीक हो गया। और मैं तो सो भी गया, हालांकि दिन में नींद नहीं आती मुझे, बड़ी अच्छी नींद आई। साहब जी, अम्मा के हाथ में ना जादू है। अब्बा भी पीते थे ना, सुकून की नींद सोते थे। ठीक कहते हो तुम। कहाँ जादू साहब जी, जादू होता तो हमें कभी छोड़ के बाहर ना जाता, और बाहर जाके हमें कभी नहीं भूलता। ये तो आपका बड़कपन है कि आपने हमें आसरा दिया, वरना हम दोनों माँ बेटों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती। वैसे ये तुम्हारा शौहर है, बहुत ही गैर जिम्मेदार बदजोक सा आदमी है। इतनी वफाशार बीवी और बेटे को छोड़ के चला गया। खैर कोई नहीं, आ जाएगी उसको कल। कहाँ साहब जी, पता नहीं उसे कदर होगी कि नहीं, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा। दिल लग गया है हमारे यहाँ पे, शाहिद को आपकी सूरत में बाप मिल गया है, इसकी पढ़ाई शुरू हो गई। अब आप हमें आसरा देके बेआसरा मत कीजिएगा। मैं क्यों निकालूंगा तुम्हें? हम आपके नौकर जो है, दिल भर सकता है, कोई हमारे खिलाफ कान भर सकता है, आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है हमें छोड़ना। नहीं, लेकिन मैंने तुम दोनों को मुलाजिम समझ के तो नहीं रखा भाई। वो जैसे वो तुम्हारी बतूल खाला से रिश्तेदारी है, तो समझो वैसे ही मेरे साथ भी रिश्तेदारी। और ये बार बार अपने आप को मुलाजिम कह के मुझे तो शर्मिंदा ना करो जी। ये तो आपका बड़कपन है, अस्मत है आपकी, मुझे तसल्ली हो गई। मैं आपके लिए खाना बनाती। अरे वो इफ्रा का फोन। शाहिद सबक सुनाओ ना साहब को, हमने कल याद किया था। हाँ साथी, मैं सुनाऊँ सबक सुनाओ। खाना लगाऊं आपके लिए? आप खाना खा लेंगे तो शाहिद भी खा लेगा। कल से कुछ नहीं खाया, कह रहा था कि साहब जी खाएंगे तो खाऊंगा। तुमने खाना क्यों नहीं खाया भाई? साहब जी सिर्फ मैं ही नहीं, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखी है। तुम दोनों तो खाना खा लेते ना, लगाओ जल्दी से खाना। जी मैं अभी आई। शाहिद साहब को फोन चार्जिंग पे लगा दो ना, उन्होंने